अक्सर देखा गया है कि चोर चोरी करने का नया नया पैतरा इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो एनसीएल के खदानों से जो कोयला चोरी करने का खेल चल रहा है वह आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और इसमें कई सारी गाड़ियां जो हैं ब्लैक लिस्ट भी की गई हैं एनसीएल के द्वारा। आपको बताते चले कि जो गाड़ियां चंदासी मंडी, भट्टा कंपनी और तमाम जगह पे एनसीएल से जो कोयला लेके जाती हैं बाडी गाड़ियां, इनमें एक सिस्टम है। और सिस्टम ये है, ये खदान से जब गाड़ियां कोयला लेके निकलती हैं तो अक्सर रोड में देखा गया है कि जो ट्रकें हैं कोयला वाली, जो ट्रेलर हैं, ये गाड़ियों में पानी मरवाते हैं। इसका सीधा सा एक माजरा है, आपको बताते चले कि खदानों से एक्स्ट्रा कोयला निकलता है, 5 टन 8 टन 10 टन। आखिर ये कोयला खपत कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, इसका आज हम खुलासा कर रहे हैं। बता दें कि जो गाड़ियां हैं खदान के अंदर में घुसती हैं, इनमें पहले से ही पानी भरा होता है एक्स्ट्रा ट्रकों में, कांटा होने से पहले ही। और ये पानी कहाँ भराता है ये हम आपको बता दें, ये जहाँ पर पानी मरवाते हैं जब ये खदान से कोयला लेके जाते हैं मंडी के लिए, भट्ठा के लिए या कंपनियों में, तो उस समय पानी मरवाते हैं तो कोयला का वजन जो है बढ़ जाता है। रास्ते में इनकी सेटिंग रहती है, जैसे जलेबिया मोड़ हो गया, पानी टंकी के पास अनपरा में देखा गया है कि यहाँ पर ये कोयला खाली करते हैं, जितना कोयला इनके गाड़ी में लोड होता है टन के हिसाब से उसका ये पैसा ले लेते हैं, ड्राइवर हो चाहे मोटर मालिक हो चाहे डीओ होल्डर हो, इनकी एक सेटिंग होती है। ये जब खाली करके कोयला वापस आते हैं तो जहाँ पे पानी मरवाते हैं जिस जगह पे गाड़ी में कोयला लोड गाड़ी में, उसी समय इनके बाडी में, गाड़ी के अंदर में चेचिस में पानी का जो जर्किन है, डब्बा है, 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल पानी ये एक्स्ट्रा लेके खदान के अंदर में प्रवेश करते हैं जब कांटा करवाना होता है, तो उस समय ये कांटा करवा लेते हैं तो इनका 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल 5 क्विंटल जो है वजन गाड़ियों का बढ़ जाता है। तो ये बड़ी आसानी से गाड़ी जब लोड करते हैं तो वो पानी को जो है वहीं पे खोल देते हैं खदान में, इनकी गाड़ी लोड होती रहती है कांटा के बाद और पानी जो है वहीं पे बह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन किन परियोजनाओं में जो है ये खेल खेला जा रहा है, बाडी गाड़ी वाले जो खेल खेल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शासन को बड़े पैमाने पर चूना लगाया जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं बाडी गाड़ी वालों की। आपको बताते चले कि जैन, दुद्धी चुआ, बीना, इस तरह की तमाम परियोजनाएं हैं जहां पर खुलेआम कोयले का जो है इस प्रकार का कारोबार हो रहा है। और जब से ये ओपन माइनिंग हुआ है, टेलर जो अंदर से सीधे ट्रांसपोर्टिंग करना शुरू कर दिए हैं गाड़ियों का, इसमें एक खेल शुरू हो गया है रिसीविंग का, मतलब सीधे जो है माल जहां जाना चाहिए वहां माल ना जाकर यह माल सीधे मंडी पहुंच जा रहा है। और अभी तो एक जानकारी और निकल के आ रहा है, बताया जाता है कि जलेबिया मोड़ करके एक एरिया है सोनभद्र में, वहां पर जो है सीधे ट्रेलर हो चाहे ट्रक हो माल पलटी होता है और दूसरा माल जो है उन गाड़ियों में लोड करके भेजा जा रहा है। बहरहाल इसका खुलासा हम बाद में करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो चर्चाएं हैं बहुत ही तेज़ी पर हैं, छर्रा है, बंटी है, गुलेल है, ढक्कन है, इस तरह के तमाम जो लोग हैं घूम रहे हैं बाजार में, नए नए चेंगड़े लोग आ गए हैं, मतलब वो किसी को कुछ समझते नहीं है कि प्रशासन का कौन सा व्यक्ति है, किससे किस लहजे में बात करना चाहिए। बस इनका एक सिस्टम है, एक रूटीन है कि मतलब हमको सिर्फ कोयले का काम करना है, रिसीविंग का काम करना है। इस बीच में पता चलता है कि माल किसी और का है और माल कोई और रिसीविंग करा के लेके चला जा रहा है। यहाँ तक कि देखने को मिला है कि कांटे में पदस्थ जो कर्मचारी हैं वो किसी न किसी का रिश्तेदार है जो रिसीविंग का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह कोयला चोर और कोयला माफिया यहाँ पर पैदा हो गए हैं, ये बंटी, छर्रा, गुलेल, ढक्कन, इस तरह के लोग, ना जाने समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं कि इनसे बढ़कर कोई नहीं है। और कुछ लोग तो अभी भी जो हैं जेल में ही हैं इस कोयले की हेराफेरी को लेकर। सोनभद्र और सिंगरौली में कई थानों में कई सारी गाड़ियां पकड़ाई भी हैं और थानों में खड़ी भी हैं और कई लोग अभी भी जेल में हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब चोर डाल डाल तो पुलिस पात पात वाली स्थिति हो गई है। मतलब पहले कहा जाता था कि चोर जो है पात पात और पुलिस जो है डाल डाल, लेकिन आज ठीक उसका विपरीत हो रहा है। मतलब जो चोर हैं वो डाल डाल हो गए हैं और पुलिस जो है पात पात हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो इनमें कड़ाई हो गई है, लेकिन अभी भी लुक छुप चोरी चोरी वाला जो सिस्टम है कारोबार जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है।
अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन इन चोरों पर कैसे लगाम लगाता है। इस बीच में देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं दूसरे की गाड़ी ले लेते हैं, अपने अंडर में लेके चलवाते हैं, उसमें भी हेरा फेरी करते हैं। अभी जिले में दो ऐसे एक्टिव बंदे हैं, अभी उनका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जल्द उनका खुलासा करेंगे कि कितने बड़े स्तर पर जो है कोयले का कारोबार कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां भी चला रहे हैं, उसमें जो है रिसीविंग का माल भी भेज रहे हैं। तो ये सारा माजरा है यहाँ पर। चलिए अगले अंक में हम लोग खुलासा करने का प्रयास करेंगे कि जो जलेबिया मोड़ है वहाँ का खुलासा करें, जो अवैध कोयले का कारोबार बहरी में चल रहा है उसका भी भंडाफोड़ हम करेंगे। बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।